हम एक कमेंट पे आज एक वीडियो बनाएंगे, अशोक लेलैंड कैसा रहेगा 2019 के बजट में। देखिए, रवि सिंह साहब ने यहाँ पे मुझसे पूछा हुआ है और कई सब्सक्राइबर्स ने भी पूछा हुआ मुझसे और कई लोगों के मेल भी आए हुए हैं मुझे कि अलग अलग स्टॉक्स जिसमें सबसे ज़्यादा अशोक लेलैंड के बारे में जानना लोग चाह रहे हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे अशोक लेलैंड के बारे में। देखिए, हमारा ये चैनल है और यहाँ पर सब्सक्राइब का लाल बटन है। अगर आपने 1 लाख का पोर्टफोलियो नहीं देखा, ज़रूर देख लें और अपना कमेंट भी करिएगा कमेंट सेक्शन में। और बढ़ते आगे की ओर, पहले तो मैं बता दूं कि अशोक लेलैंड एक ऑटो सेक्टर की कंपनी है जिसमें से जैसे कि टाटा मोटर्स, आयशर मोटर्स और मारुति सुजुकी, ऐसी कई कंपनियां, फोर्स मोटर्स, तो बहुत सारी कंपनियाँ सभी अभी डाउन चल रही हैं। अब हमें देखना है कि फिलहाल किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। स्थिति साफ है कि मारुति सुजुकी जो है एक अभी 6,000 के आसपास भाव ट्रेड कर रहा है, उसमें भी काफ़ी गिरावट आ चुकी है। आयशर मोटर में भी लगातार गिरावट आ चुकी है। टाटा मोटर्स में तो बुरी तरह से पिटाई हुई है, तो वो तो बहुत ही लो पे मिल रहा है। लेकिन हमें इन सब में, चाहे अशोक लेलैंड हो चाहे जो भी हो, इसमें कौन सा बेहतर है, कौन सा स्टॉक चुनना चाहिए? तो जैसे कि यहाँ पे जो एक मित्र हमारे पूछा है कि 2019 की बजट में कैसा रहेगा अशोक लेलैंड, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, बहुत बड़ा मैं गुरु ज्ञानी नहीं हूँ, मैं अपने आप को बता दूँ, लेकिन मेरा जो अपना एक स्टडी का तरीका है, एक अनुमान का तरीका है कि आने वाले भविष्य में कौन सा सेक्टर, कौन सी कंपनियाँ हमें अच्छा माल बना के देंगी, अच्छा रिटर्न देंगी, उन सबको बताने की मैं कोशिश करता हूँ, प्रयत्न करता हूँ, मैंने ये आपसे कहा। और तो इन कंपनियों में हमें कौन सी कंपनी लेना है? देखिए, अशोक लेलैंड अभी छोटी प्राइस का है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी। टाटा मोटर्स बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन टाटा मोटर्स में बहुत बड़े झाम हैं। झाम इन द सेंस कि इंडिया में तो चली उनके अच्छे इलेक्ट्रिकल व्हीकल आने वाले, लेकिन जो लैंड रोवर उनका जो फॉरेन में है, उसमें बहुत बड़ा झाम फंसा हुआ है। तो इस वजह से उनके जो है बैलेंस शीट पे, उनके फाइनेंशियल पे, उनके सब कुछ पे इफ़ेक्ट कर रहा है और उसका प्राइस बहुत डाउन चल रहा है। बाकी रही आयशर मोटर, मारुति सुजुकी और जो बाकी हैं, तो देखना है कि अशोक लेलैंड उनमें से झाम रहित है, मतलब इसमें किसी प्रकार का झंझट नहीं है। इनका मैनेजमेंट अच्छा है, कमर्शियल व्हीकल्स अच्छा, इलेक्ट्रिक में जो 2019 में उन्होंने पूछा मेरे मित्र ने कि कैसा रहेगा, तो मैं बता दूं कि एग्जीक्यूशन सोचते सब हैं, करता कौन है पहले, सबसे पहले एग्जीक्यूट कौन करता है, कौन सी कंपनी करती। इलेक्ट्रिक नीति आयोग ने स्पष्ट कहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पष्ट कहा है कि हमें 2025 तक जितने टू व्हीलर्स हैं उनको इलेक्ट्रिक करना है, और साथ साथ 2030 तक कंप्लीट जितनी भी कार्स हैं, फोर व्हीलर्स हैं, उनको जो है इलेक्ट्रिक करना है। इस चीज़ के लिए कंपनियां तैयार रहें, तो बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अब इस परिवर्तन में देखना है कि सबसे पहले कौन बाजी मारता है। तो ऑलरेडी अशोक लेलैंड इन्वॉल्व हो चुका है और इनका ये कहना है कि 2020 के शुरुआत में हमारे बहुत सारे बसेस जो है मार्केट में आ जाएंगे, जिस प्रकार से इनके पास ऑर्डर्स हैं। तो जो सबसे आगे भागेगा, उगते सूरज को लोग सलाम करेंगे, और उन्हीं में से मुझे लगता है कि उन्हीं कंपनियों में से अशोक लेलैंड अभी छोटी प्राइस है, और इस पे हम लोग जो इग्नोर कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। तो चलिए कुछ फंडामेंटल भी देख लेते हैं। 84 रुपये की प्राइस का है एक शानदार कंपनी अशोक लेलैंड। जुलाई 10, 2019 मार्केट बंद हो चुकी है, 3.5 के आसपास हो रहा है, और साल का जो लो था अभी 77 था और 137 हाई था, तो काफ़ी नीचे के लेवल मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए ईपीएस और पी नहीं, तो हम दूसरी साइड पे भी देख लेते हैं क्या स्थिति। हाँ, मार्केट कैप है 24,599 करोड़, फेस वैल्यू 1 की है, और पी रेशियो है 12.05 की, ईपीएस है 6.95, प्राइस टू बुक है 2.85, डिलीवरी 70% के आसपास है, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक है।
एक गुड क्वालिटी कंपनी है, जिस प्रकार से इनका मैनेजमेंट है, जिस प्रकार से इनकी ग्रोथ है, जिस प्रकार से इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है, सेल्स ग्रोथ है 23.90%, एक शानदार है। ईबीआईटी ग्रोथ है 68.13%, ये भी शानदार है। और डिविडेंड ऑफ कोर्स पे करता है। गिरवी शेयर यहाँ पे 6.66% हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक कमज़ोरी दिख रही है। एनीवेज, पैसे उठाने के लिए लोगों को ऑफ कोर्स शेयर गिरवी रखने ही पड़ते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय है 27.32 और रिटर्न ऑन इक्विटी है 17.44% के आसपास। तो अभी इनके जून के भी रिजल्ट्स आने बाकी हैं और हम पिछला ही दिखा देते हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर मार्च 18 से मार्च 19 के कंपेयर करें, तो जहां 8,651 करोड़ थी मार्च 18 में, वही वो मार्च 19 में हो गई 8,722 करोड़, यानी कि थोड़ी सी अपसाइड है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 12 पॉइंट के आसपास यहाँ पे है, 12% के आसपास की गिरावट है। और नेट प्रॉफिट में भी यहाँ 12.13% के आसपास के डाउन साइड है, और मार्जिन में भी यहाँ 1.68% के आसपास की डाउन साइड है। और वहीं अगर हम क्वार्टर Q4 यानी दिसंबर 18 से मार्च 19 के देखते हैं, तो नेट सेल्स में 39.67% की अपसाइड है, एक शानदार है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 51% के आसपास की अपसाइड है, और इंटरेस्ट भी कम हुआ है। और नेट प्रॉफिट में भी 71.46 के आसपास की अपसाइड है, और मार्जिन में भी यहाँ पे देखिए अपसाइड है थोड़ी सी। तो क्वार्टर के शानदार रहे, ईयरली थोड़े से जो है झटका है, लेकिन कोई बात नहीं। ऑटो सेक्टर में अभी भी बहुत सारा सभी और प्रमोटर्स के पास 51.12% की होल्डिंग है, और इसमें से करीब 6.5% के आसपास गिरवी है। ये थोड़ा सा एक यहाँ पे गिरवी रखे हुए इन्होंने। म्यूचुअल फंड्स 5.49% के आसपास। फॉरेन इन्वेस्टर्स कितने हैं देखिए, 396 FIIs हैं, तो इनकी शानदार होल्डिंग्स हैं 19.06% के आसपास। और इंडिविजुअल भी ज़बरदस्त हैं, 13.18% के आसपास हैं, और सब में देखिए होल्डिंग बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। FIIs थोड़ी सी घटाए हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, अदर DIs, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है इस क्वार्टर में। और ₹2.43 का इन्होंने पर शेयर के हिसाब से 9 जुलाई 2018 को डिविडेंड पे किया है यहाँ पे, और नंबर वन कंपनी अपनी इंडस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूँगा कि अशोक लेलैंड फ़िलहाल जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल हैं, और मुझे ऐसा लग रहा कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो पूरे भारत में और दुनिया में भी पूरे भारत में सबसे पहले ये अपना व्यवसाय को एक्सपैंड करेंगे, सबसे पहले लाके एक्सक्यूशन इनका शुरू हो चुका है। इनके पास अच्छे ऑर्डर्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के। तो इनके जो जैसे कि अभी बसेस तो हैं, बसेस के साथ साथ जो मिनी टेम्पोज होते हैं, छोटे लाइट कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, ये सब भी इलेक्ट्रिक कर देंगे, तो बहुत ज़बरदस्त इनको मुनाफा होने वाला। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले समय में जो 84 का प्राइस है, 4 से 5 साल, मान लीजिए आपका टारगेट लंबे समय के लिए 10 साल, वो बात अलग है। हम लोग अगर 10 साल को टारगेट करते हैं, और अगर हमें 10 सालों वाला रिटर्न अगर हमें 5 सालों में मिल जाता है, तो उसमें क्या बुराई है, मुझे एक बात बताइए। दिग्गज कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी, भरोसे वाली कंपनी है, तो हमें सोच समझ के इन्वेस्ट करना तो है, लेकिन हमें अशोक लीलैंड को ख़रीदना चाहिए ऐसे मौके पे। बहुत बड़ा प्राइस नहीं है, क्या हम SIP नहीं कर सकते? क्या हम इस लेवल पे जिस हिसाब से डाउन चल रहा है 84 रुपये के भाव पे, हमें अच्छी बाइंग करनी चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप में से कोई भी लेना चाह रहा है इस स्टॉक को, तो ख़रीदें। हाँ, ये हमेशा कहता हूँ कि कभी पूरा पैसा मत आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या पर्टिकुलर सेक्टर में ना लगा दें। जैसे किसी को बैंक पसंद है, तो आप बैंकिंग में जो अच्छा स्टॉक लगता हो उसमें लगा दीजिए। जिसको ऑटो सेक्टर में लगता है, तो अशोक लैंड में कुछ इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी मारुति सुजुकी या फिर टाटा मोटर्स या फिर आयशर मोटर्स, इन सब पे थोड़ा सा मैं अभी सिफारिश नहीं करूँगा लगाने के लिए। तो अलग अलग सेक्टर्स में अपना पोर्टफोलियो में रखें स्टॉक्स, और पूरा पैसा कभी मत लगाइए, वेट करें। मार्केट अभी बेयरिश है, वो तो हो सकता कि और नीचे के लेवल पे कुछ और अदर कंपनीज़ के स्टॉक्स आपको अच्छे सस्ते मिल जाएं। तो अशोक लीलैंड अब इससे नीचे कितना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा और टूटेगा तो अपना साल का लो बना लेगा,
या उससे थोड़ा और नीचे जाएगा, लेकिन जिस दिन ऊपर चढ़ना शुरू होगा, जिस समय ऑटो सेक्टर में जान आएगी, जिस समय इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाहर आने शुरू होंगे, इनकी नेट सेल्स बढ़नी शुरू होगी, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा, ये पक्का है। तो अशोक लेलैंड पे आप बने रहिए, और अगर आपके पास इनके शेयर्स हैं तो आप बेचिएगा भी मत, आप इनको होल्ड करिए। भले ही आपने 200 रुपये के लेवल पे लिया रहा हो, भले आपने 170 रुपये के लेवल पे लिया रहा हो, तो बहुत बड़ा प्राइस नहीं है, और धीरे धीरे क्वांटिटी आप बढ़ाते जाइए अशोक लेलैंड के। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पर वाइंड अप करता हूँ फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।